नाश्ता चाय हो गया और मैं अब यूज करने लगी हूँ ये, इसमें मैं पोहा या कुछ भी खाना हो ना नाश्ता तो मैं इसमें खाती हूँ। अंगद कहता है ये इतना हैवी है इसमें क्यों खाना है तुमको, पर मुझे अच्छा लगता है, अभी नया नया लिया है तो यूज करना तो बनता है। वैसे ये डिशवॉशर सेफ है तो कोई दिक्कत नहीं है वॉश करने का। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पिछले व्लॉग में कि अब से व्लॉग रेगुलर आएंगे, पर फिर भी बीच में दो तीन दिनों का गैप हो गया और उसका रीजन ये था कि इतने सारे काम पेंडिंग थे ना निपटाने के लिए, वो सब करने लगी मैं। क्योंकि ये जो डेढ़ महीने का समय बीता ना, ये जो मेरा पंचकर्मा हुआ, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था इस डेढ़ महीने में ना, मैंने जितना एंटिसिपेट किया था उससे ज्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट रहा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे हुई वीकनेस की, मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं आती थी मेरे अंदर, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं खाना पीना नहीं खाती थी। मेजॉरिटी खाना जो था मेरा वो खिचड़ी या फिर दाल राइस या फिर बहुत ही कम डाइट हो गया था, तो उस वजह से कुछ भी कर नहीं पाती थी। और इस चक्कर में मैंने कई सारे काम को डिले कर दिया था, कई सारे काम मैंने हाथ में लिए ही नहीं, तो बहुत कुछ एक्यूमुलेट हो गया था। एक एक करके सबको खत्म कर रही हूँ और जब भी बिना मैं यहाँ बैठ के बातें करती हूँ तो मेरा ध्यान ना हमेशा स्क्रीन पे जाता है कि ये जो मिरर है ना इसका ये हाफ पोर्शन ऐसे आ जाता है ना, मानी मेरे सर से बाहर निकल रहा हूँ। कई बार तो मैंने ना ऐसे जगह से ब्लॉक कर लिया है, वीडियो कर लिया है जहाँ पे ना एकदम सेंटर में मैं आ जाती हूँ उस मिरर के, और इधर से भी निकल रहा होता है रेज और इधर से भी निकल रहा होता है, और वो इतना फनी लगता है ना। आज मैंने सुबह सुबह ना धनिया का पाउडर निकाला है, मेरे पास पोहा बनाने के लिए पाउडर बिल्कुल ही खत्म हो गया था, तो मैंने फ्रेश बनाया और इतनी अच्छी स्मेल तो इसकी अभी आ ही रही है बॉटल खोलने से, पूरे किचन में इसकी अच्छी स्मेल आ गई है, तो फ्रेश की तो बात ही कुछ और है। एक और क्वेश्चन है जो मुझे आता है पंचकर्मा से जुड़ा हुआ, और वो है कि क्या मेरा वेट लॉस हुआ है, क्योंकि पंचकर्मा आप लोग सब जानते होंगे वेट लॉस होता है उसके बाद में, स्पेशली विरेचना के बाद 7-8 केजी तक भी लोग लूज करते हैं एक महीने में। मेरे केस में नहीं, मेरा वजन उतना नहीं लूज हुआ है, सिर्फ 2 केजी कम हुआ है। और मुझे लगता है ना उसका रीजन ये है कि अगर आप वेट लॉस के लिए जाते हो पंचकर्मा करवाने, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो वेट लॉस से ठीक होने वाली होती है, तो डॉक्टर ना अलग टाइप का ऑयल और घी का कॉम्बिनेशन यूज करते होंगे जिससे वेट लॉस या इंच लॉस हो। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, वेट लॉस कंसर्न बिल्कुल भी नहीं था, डॉक्टर ने भी उसका कोई कंसर्न नहीं दिखाया, लेकिन होता है अगर आपका कंसर्न वेट लॉस है, आप इसके लिए करवा रहे हो पंचकर्मा, तो वो लोग इस तरीके से देंगे आपको चीजें कि डेफिनेटली 8 से 10 केजी वेट लूज हो जाता है इन जस्ट 21 to 30 days। और ये बहुत लोगों को पता होगा, कमेंट करिएगा अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, किसी को देखा है, तो पंचकर्मा बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आपकी बॉडी को पूरा क्लीन कर देता है हर तरीके से। सुबह के बज रहे 9:30 और इतनी कड़क धूप है बाहर कि मुझे पर्दे बंद करने पड़ गए, एकदम समर आ चुका है पता चल रहा है, तो अच्छी बात है ये कर्टन से ना एकदम ही सनलाइट जो है वो काफी हद तक ब्लॉक हो जाता है, इतनी कम सनलाइट आ रही है, बस नीचे के साइड से आ रही है, ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं। अगर इसको खोल दिया जाए ना तो पूरा अंदर तक सब कुछ गर्म हो जाएगा, तो समर में मैं 8-8:30 तक ही खुला रखती हूँ पर्दे, उसके बाद बंद ही कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट बहुत धूप आती है 11 बजे तक में। इसके लिए बहुत क्वेश्चन आता है कि मैंने कहाँ से लिया था टेबल मैट, मैंने होम सेंटर से लिया था, ये हार्डबोर्ड का है और ये 4 लिए थे मैंने कुछ लगभग 600 रुपीज में, पर अब ये सेम डिजाइन नहीं मिल रहा है होम सेंटर में ना तो अमेजोन पे मिल रहा है। मैं चेक करती रहती हूँ कि मैं आप लोगों से लिंक शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको कहीं पे दिखे तो जरूर लीजिएगा। मैं 3 साल से यूज कर रही हूँ, लगभग डेली यूज कर रही हूँ और ये अभी भी उतना ही सुंदर दिखता है। कमेंट आने लगे हैं मेरे बालों को लेकर के कि सोना तुम्हारे बालों का कलर चला गया है, अब या तो इसे कलर करो या तो कट कर दो। एक्चुअली वो मैं भी जानती हूँ बहुत खराब लग रहे हैं, और पता है ये ना जल्दी क्यों खराब हो गए, इतनी जल्दी इसका कलर नहीं जाता पता है, लेकिन जो मैंने ट्रीटमेंट कराया ना इसमें रोज ऑयलिंग होती थी और कई बार शैम्पू मैंने वहां पे भी किया है, उनका जो शैम्पू था वो होता था वो वाला
वाटिका शैम्पू देते थे वो लोग, तो उसकी वजह से ना मुझे ऐसा लगा कि जल्दी कलर मेरे चले गए वरना और टिकते। अब ये जो आप कलर देख रहे हो ना, ये एक्चुअली एक जमाने में जब मैंने करवाया था तब ये ब्लू हुआ करता था। जी हाँ, ये ब्लू और ग्रीन ओम्ब्रे मैंने कराया था। ग्रीन तो फिर भी ग्रीन ही है, ब्लू का क्या हाल हो गया देखिए। अभी इसको अगर मैं वापस से कलर कराऊं तो ठीक हो जाएंगे, जो मैं करवाना नहीं चाहती हूँ। दूसरा है कि मैं इसको कट करवा लूं, पर मैं कितना कट कराऊं, मैं इतना कट कराऊंगी ना तब जाके ये कलर जाएंगे। और इनफैक्ट अभी 1 वीक पहले ही मैंने खुद से घर में बाल ट्रिम भी किए। ये बाल मेरे इतने लंबे नहीं थे, इससे और भी लंबे थे। मैंने घर में ही कैंची चला दी, पर उससे भी ये अभी ठीक नहीं होने वाला। तो टाइम लगेगा, पर क्या कर सकते हैं, जल्दी बाल चले गए। कलर पता, जब आप कलर करवा रहे होते हो तो आपको पता नहीं होता जब जा रहे होंगे तो कैसे दिखेंगे। तो हाँ, खराब तो दिखने लगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि कलर करवाने के बाद मेरे बाल गिरने लगे बहुत ज्यादा। कोई भी ड्रास्टिक चेंज मेरे बालों में नहीं आया कलर की वजह से। ना तो ये रूखे सूखे हैं, दिखते होंगे ड्राई जैसे, पर आप टच करोगे ना तो बहुत सॉफ्ट है। ये है इतना बड़ा वाटरमेलन जो कि मैं रोज खाती हूँ। थोड़ा बहुत वाटरमेलन मैंने अपने डाइट में ऐड कर दिया है, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि इट्स गुड फॉर यू, इट कीप्स यू हाइड्रेटेड। अभी समर भी आ चुका है तो ये मेरे घर में रहता ही रहता है। कभी जूस पी लेती हूँ, कभी इसको कट करके नमक डाल के खा लेती हूँ। डाला था, अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो कर लीजिएगा। किचन टूर वीडियो मैंने फाइनली डाल दिया है, जो बहुत लोग रिक्वेस्ट करते थे। छोटा सा बनाया है पर डिटेल में समझा दिया है, तो वो देख लीजिए। तो उसमें मुझे कमेंट आया था कि सिर्फ 2 लोग रहते हैं ना इसलिए आपका किचन का साफ सुथरा रहता है। पर मैं आपको बताऊं एक बात सही है, 2 लोग है, एक ही मैं ही खाना बनाती हूँ मेजोरिटी, तो आप किचन ज्यादा साफ रखते हो, कुक नहीं है, कोई और थर्ड पर्सन नहीं है। लेकिन पता है, किचन साफ रखना हो या घर साफ रखना हो ना, ये ना मैंने नोटिस किया कि ये ना एक हैबिट है। मतलब कई जगह मैंने देखा है ना कि बहुत ही बड़ा परिवार है, फिर भी आप लोग किचन जाओगे ना तो एकदम ही ऑर्गेनाइज रहेगा। आप देखना कभी, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि इस घर में 7-8 लोग रहते हैं, इतना खाना बनता है। तो वो एक ना रहने का एक तरीका होता है। वही मैंने देखा है, कई लोग तो बैचलर भी रहते हैं, सिर्फ बैचलर की बात छोड़िए, सिर्फ कपल भी रह रहे होते हो और कोई नहीं आता हो घर पे, फिर भी आप किचन या कोई भी रूम जाओगे ना, स्पेशली किचन, मतलब आपको दिख जाएगा। मतलब स्पेशली मैं जैसे नोटिस करती हूँ ना, तो कोई भी किचन गई और मैं चिमनी को एक बार देखती हूँ कि चिमनी के ऊपर अगर बहुत धूल है या स्विच बोर्ड के ऊपर बहुत धूल है, तो उसे समझ में आता है कि हाँ, दे आर नॉट इन टू क्लीनिंग और उतना मेंटेन करने का। तो मेरे हिसाब से ना ये नहीं मैटर करता है कितने लोग रहते हैं ना, ये हैबिट है। जैसे मेरा क्या है ना, मैं किचन में फैला के मैं काम नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही रेयर आपने मुझे देखा होगा कि सब कुछ इधर उधर रखा हुआ है, मैं खाना बना रही हूँ बाद में क्लीन कर रही हूँ, नहीं, मैं साथ साथ में क्लीन करते जाती हूँ। तो चाहे मैं 2 लोगों के लिए बनाऊं या 5 के बनाऊं, मेरा सेम प्रोसेस रहेगा, ऐसा नहीं है चेंज हो जाएगा। तो वो हैबिट है, ना कि कम लोग हैं ज्यादा लोग हैं वो मैटर नहीं करता है। हाँ, घर कितना ऑर्गेनाइज है वो मैटर करता है। जब बहुत लोग बोलते हैं घर में बच्चे होंगे तो घर ज्यादा मैसी रहेगा, दैट्स ट्रू, बच्चे हैं तो एक अलग बात है, पर किचन को तो बच्चे से कुछ है नहीं लेना देना, वो तो यहाँ पे आके गंदगी नहीं करता है। ये आपकी हैबिट पे डिपेंड करता है। मैं नहीं मैसी किचन में काम कर पाती हूँ। अगर बहुत गंदा है ना किचन, मान लीजिए मैंने नहीं 2 दिन से काम किया, बीमार हूँ, मैं किचन आऊंगी सबसे पहले क्लीन करूंगी फिर खाना बनाऊंगी, वरना मुझसे बनेगा ही नहीं। बहुत गंदगी वाली स्टव में या कुछ फैला है ना, इससे मुझसे कुकिंग होगा ही नहीं। गुजरात से जो मेरा देवर आया था ना, वो ये लेकर आया, तो उनकी जो मम्मी है, मतलब मेरी मामी सास, तो वो ना ये सब का बिजनेस करती है। घर पे ही उन्होंने कुछ इम्प्लॉयज रखे हैं जो मिलके ये सब बनाते हैं, और ये सब कुछ ना हैंडमेड होता है, एक्चुअली मशीन मेड बिल्कुल नहीं है। और मतलब वो बड़ी बड़ी शादी वगैरह में उनको ऑर्डर आता है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ना वो ये सब चीज़ें ऑर्डर पे देती हैं। तो उन्होंने मेरे लिए भेजा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब ना दिवाली वगैरह में डेकोर करने के लिए बहुत अच्छा है, पर सबसे अच्छी बात है कि ये हैंडमेड है, कितना प्यारा है। तो इससे ना पूरा इस तरीके से आप एक अल्पना बना सकते हो, एक डिजाइन बना सकते हो। ये वाला लेंस क्लीनर ना मैं लेंस कार्ट से लेकर के आई थी उस दिन, तो ये 150 का था, पर मुझे ऑफर में 99 रुपीज में मिला था। और इससे ना अच्छे से ही साफ हो जाता है, जैसे कभी भी पहले मैं ना पानी वगैरह से साफ किया करती थी, लेकिन जब से ये वाला लिया है ना, तो बस स्प्रे मारना रहता है और ये क्लीन हो जाता है। Thank you.
संगत अभी जा रहे हैं वॉक करते करते, थोड़ा सा पास वाले सुपरमार्केट से मुझे मिल्क लेना है। एक्चुअली पनीर बनाने का सोचा है, तो पनीर ना अब मैं घर के दूध से ही बनाती हूँ, बाहर का पनीर नहीं लाती हूँ, तो उसके लिए मिल्क चाहिए। इसी बहाने थोड़ा बहुत वॉकिंग भी हो जाएगी। तो ये रहे अंगद जी, जिससे आप मिले नहीं होंगे बहुत टाइम। अब दोनों मैचिंग मैचिंग पिंक एंड पिंक, हाँ बैग ले लो। यहाँ नीचे ना शू रैक में हम सारे बैग्स रखते हैं जो लगते हैं ना बाहर के। अरे ये तो बहुत ही बड़ा है, ये छोटा वाला चलेगा। सिर्फ मिल्क ही लेना है वैसे, कुछ खास नहीं, सब्जी वगैरह तो है। चलिए यहाँ पे ना ये लाइटिंग की गई थी अभी फेस्टिवल के लिए, महाशिवरात्रि के लिए, तो उस दिन से ये लाइट अभी है ही। और अब तो होली आने वाली है, तो ये चारों पेड़ में ना ऐसे लाइट लगा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इससे पूरे यहाँ पे लाइटिंग आ जाती है बहुत अच्छी सी। चले चलिए मैं आप लोगों से बात करते करते घर से बाहर तो निकल गई, थोड़ा दूर आगे जाती हूँ, फिर ध्यान में आता है कि जो मैंने चप्पल पहना है वो घर वाला चप्पल है, तो वो चेंज करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ये पूरा गंदा हो जाएगा, फिर घर गंदा हो जाएगा, फिर साफ करना पड़ेगा, तो इतना नहीं करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। हमने दोनों ना बाहर के स्लीपर और घर का अलग अलग रखा है, पर बात करते करते मैं निकल गई। अभी याद नहीं आता ना, सच में बहुत ही गंदा हो जाता, क्योंकि आसपास ना बहुत धूल है, कंस्ट्रक्शन वगैरह होता रहता है, तो गंदगी तो बहुत आती है। तो अंकल को मैंने बोला बैठो, मैं फटाफट से लेकर आती हूँ। और लंच के बाद मैंने व्लॉग नहीं किया, मैं लगी वीडियो एडिट करने के लिए, उसके बाद में मैं सीरीज देख रही थी। वो माधुरी दीक्षित का नया सीरीज आया ना, वो मैंने थोड़ा पहले देखा था, थोड़ा आज ख़त्म किया, तो अच्छा सीरीज है, आप देख सकते हो, फेम गेम नेटफ्लिक्स पे। पर एंडिंग ना मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे लगा एंडिंग बहुत ही मतलब मज़ा नहीं आया बेसिकली एंडिंग में। ओवरऑल सीरीज बहुत अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छा है, बस एंडिंग ना, किसी किसी सीरीज में ऐसा होता है, बहुत अच्छा बिल्डअप करेंगे, स्टोरी अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, पर एंड आते आते ना आपको लगेगा हैं ये क्या एंड था, मज़ा नहीं आया। वैसे इसका पार्ट टू भी आने वाला है, इस तरीके से इन लोगों ने एंड किया है ना कि लग रहा है पार्ट टू भी आएगा, बट अगेन इट्स अ गुड वॉच, टाइम पास में आप देख सकते हैं। तो दोपहर को वो निपटा लिया, फिर एक लॉकअप करके नया नहीं शो आया है ऑल्ट बालाजी और एमएक्स प्लेयर पे, मैं एमएक्स प्लेयर पे देख रही थी, बिग बॉस जैसा ही है, थोड़ा ही देखा, नहीं मज़ा आया, सेम कॉपी पेस्ट लग रहा था। बिग बॉस तो कई सीजन से मैंने देखा नहीं है, दो सीजन तो हो गए, तो ये भी वैसा वैसा ही लग रहा था, छोड़ दिया, तो बस यही हुआ। फिर चाय वगैरह पिया और बोला चलो निकलते हैं, दूध ले आते हैं पहले। चलिए अंगद वेट कर रहा होगा। इतना बड़ा वाला छोटा वाला नहीं है ना? हाँ छोटा वाला लो ना। हाँ